आज की इस वीडियो के अंदर गाइस आपको दिखाएंगे 1,05,000 रुपए का पीसी बिल्ड। बहुत ही शानदार ये पीसी बिल्ड है। बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा हमारे रन भरे भाई ने, जो कि रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, एंड 1,05,000 रुपए का ये पीसी बिल्ड है। सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, आप भी अगर कोई ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर को आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी हमारी वेबसाइट भी है जो कि modexcomputers.com, वहां पर आपको प्री बिल्ड पीसी, कस्टम पीसी सारे ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो वेबसाइट के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी आप अगर ऑफलाइन विश्वास रखते हैं, आप ऑफलाइन आकर के हमसे पीसी बिल्ड कराना चाहते हो, तो 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है। आप ऑफलाइन स्टोर हमारा विजिट करिए एंड यहां पर भी आकर के आप अपना पीसी करा सकते हो। तो जो एड्रेस है एंड जो गूगल लोकेशन लिंक है हमारे ऑफलाइन स्टोर की, वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब गाइस शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में जिन जिन का इस पीसी बिल्ड में हम लोगों ने यहां पर यूज करा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। इंटेल की तरफ से उनका i5-12400F प्रोसेसर हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में यहां पर यूज करा है। अगर आपको बहुत ज्यादा कोर थ्रेड काउंट नहीं चाहिए, जैसे कि 13400F के साथ में देखने को मिलते हैं, तो आप स्टिल इस सीपीयू के साथ में जो यहां पर जा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया प्राइस के ऊपर यहां पर आ जाता है, समवेयर अराउंड 15,000 में आपको ये सीपीयू देखने को मिल जाता है। 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ में आता है, एंड अगर आपका मेन जो वर्कलोड है वो यहां पर सिर्फ गेमिंग ही है, तो ये प्रोसेसर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर दिला देता है। बाकी इसके अलावा अगर आप स्ट्रीमिंग एडिटिंग भी करना चाहते हैं, तो वो भी सीपीयू के साथ में काफी बढ़िया हो जाता है। ऑल्दो इस सीपीयू के साथ में हमें एक स्टॉक कूलर देखने को मिलता है, बट उसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज नहीं करा, उसके ऊपर काफी हॉट रन भी करता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो अलग से लिक्विड कूलर यूज करा है, जो कि आता है यहाँ पर डीप कूल की तरफ से उनका गैमेक्स L240 ARGB ब्लैक वाला वर्जन, इसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, जो कि हमारी मतलब ओवरऑल जो पूरी थीम है वो ब्लैक ही है, तो इसलिए ब्लैक वाला वर्जन इसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है और देखने में भी अच्छा लगता है। और बाकी जो हमारा 12400F प्रोसेसर है, उसके टेम्परेचर्स को अच्छी तरीके से यहाँ पर ही हैंडल कर लेता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर ASUS की तरफ से उनका प्राइम B660MAD4 का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। नॉन वाईफाई मदरबोर्ड है, B660 लाइनअप के साथ में आ जाता है, ASUS के प्राइम लाइनअप के अंदर डिसेंट इनफ मदरबोर्ड है, जो कि हमारे 12400F प्रोसेसर को यहाँ पर हैंडल कर लेता है। साथ ही साथ में DDR4 RAM के सपोर्ट के साथ में मदरबोर्ड आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी RAM के बारे में। RAM हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यूज करी है, जी स्किल की ट्राइडेंट जी RGB 16 GB की दो किट का यहाँ पर यूज करा है। एक किट में आती है 8 GB की दो स्टिक्स, जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, तो टोटल हो गई हमारी 8 GB की चार स्टिक्स, जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, यानी कि टोटल हो जाती है हमारी 32 GB रैम। चारों रैम स्लॉट जो है वो हमारे यहाँ पर फिलअप हो गए हैं। लुक जो है ओवरऑल यहाँ पर काफी जबरदस्त निकल करके आ जाता है, और 32 GB जो एकदम परफेक्ट रहेगी हर एक वर्कलोड के हिसाब से। अब तो आप चाहे इसके ऊपर कुछ भी करो, आप किसी भी टाइप की अगर यहाँ पर गेमिंग करोगे तो 32 GB इनफ रहेगी। साथ ही साथ में अगर ये जैसे प्रोडक्टिविटी जैसा कुछ भी वर्कलोड डालते हैं अपने पीसी के ऊपर, तो उसमें भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ग्राफिक्स कार्ड में तो यार मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, MSI वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड है, तो MSI की तरफ से उनका गेमिंग RTX 3060 हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। बहुत ही शानदार ये ग्राफिक्स कार्ड है, देखने में भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। साथ ही साथ में जो इसकी क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी रहती है इस कार्ड की, वो भी यार बड़ी शानदार रहती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखने ही मतलब देखकर ही पता चल जाता है कि भाई कार्ड जो है वो काफी वेल डिजाइंड है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ में बिल्ड क्वालिटी हमें काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाती है। MSI का लोगो है, इसके अंदर हमें यहाँ पर RGB देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर जो SSD हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है, ये आ जाती है XPG की तरफ से उनकी S50 Lite Gen 4 M.2 NVMe SSD, जो कि 512 GB की है। इसके अंदर जाएगी विंडोज नेसेसरी ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज, यहाँ पर एक 2 TB के हार्ड ड्राइव का भी यूज करा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में। इन सभी कंपोनेंट्स को पावर अप करने के लिए 650 वॉट की पावर सप्लाई जो है वो इनफ रहेगी, तो डीप कूल की तरफ से उनकी PF650 पावर सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, जो कि 80+ स्टैंडर्ड रहती है, अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई। 650 वॉट इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से इनफ रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी फाइनली कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट हम लोगों ने यहाँ पर जो NGXT की तरफ से उनकी H5 फ्लो का यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये कैबिनेट,
और NZXT की जो H5 फ्लो है इसमें सामने की तरफ आपको मेश देखने को मिल जाती है, तो आपको वो जो NZXT के साथ में जो एक मिनिमलिस्टिक जो लुक मिलता है वो भी आपको इस कैबिनेट के साथ में मिल जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एयर फ्लो भी बढ़िया मिल जाता है। अच्छा, इस कैबिनेट में एक खास बात मेरे को यहाँ ये लगती है कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा GPU कूलिंग का फैन मिलता है यहाँ पर नीचे की तरफ, जो कि आपके डायरेक्टली कूल एयर को पुल करके आपके GPU को देता है ताकि आपका GPU ठंडा रहे। मतलब काफ़ी यूनिक सा है, काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी इस कैबिनेट में मैं आपको बता देता हूँ, शायद एक आधा फैन आता है जो कि नॉन RGB रहता है, आई गेस शायद सिर्फ एक रियर में आता है, तो उन सबको जो है रिप्लेस करा के हमारे कस्टमर ने कहा था कि यहाँ पर आप जो है ARGB फैंस को यूज़ करें, तो हमने अलग से 3 फैन यूज़ करे हैं जो कि XPG के वेंटो ARGB फैन। 2 तो लग गए हमारे फ्रंट में एंड एक रियर में लग गया एग्जॉस्ट के लिए। पूरे PC का जो लुक है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का निकल करके आ रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देख। बस तो गाइस यही था हमारा 1,05,000 रुपीज़ का PC बिल्ड। आपको कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, जो कि हम लोगों ने बनाया विद i5-12400F एंड RTX 3060। डेफिनेटली आप इस बजट के अंदर जो है इससे बेहतर कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि 13-400F हो गया, 3060 Ti हो गया, बट यहाँ पर क्योंकि काफी सारे प्रीमियम कंपोनेंट्स का यूज करा गया, रैम भी 32 GB, वो भी Zscaler की ट्राइडेंट Z RGB, गेमिंग X 3060, तो इससे कॉस्टिंग थोड़ी ऊपर चली जाती है और कैबिनेट भी थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। बाकी आपको ये PC बिल्ड कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और आपको भी अगर कोई ऐसी कमाल का PC बिल्ड करवाना तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर को आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारी सेल्स टीम आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा PC आपको लेना चाहिए। बाकी वेबसाइट का लिंक एंड जो हमारा ऑफलाइन स्टोर है उसकी गूगल लोकेशन लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे करने वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के PC वर्ल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।